तो दोस्तों देख सकते हैं आकाश की मम्मी ने मेरे बनाए हुए प्यारे से दिल को क्या कर दी। देख सकते हैं कह रही कि कलर खत्म हो गया। अब बताइए दोस्तों मैं क्या करूं। दोस्तों देख सकते हैं आकाश की मम्मी खुश कितनी है मेरे बनाए हुए दिल को क्या बना दी अपने डिजाइन से। बताइए दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम, आप सब कैसे हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं आप सब एकदम अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। मेरा थोड़ा तबीयत डाउन है, बाप रे मेरा इतना तकलीफ हो गया है, भगवान ना करे कभी किसी को भी बीमारी हो, क्योंकि ये कमर दर्द कमर मोच में सुबह गया था थोड़ा टॉयलेट की तरफ तो ये इतना कैसे हो गया। ये चोर ही पकड़ लिया है, कमर चोर बोलते हैं हम लोग यहाँ। अब इसको झड़वाना पड़ेगा क्योंकि मैं इतना हार्ड टैबलेट भी खा लिया हूँ और मूव जो होता है सबसे हार्ड मलहम जो लगाया जाता है वो भी मैं इस्तेमाल कर लिया, अभी तक सही नहीं हुआ है। फिर भी मैं ऐसे ही खड़ा होकर चल रहा हूँ, पूरा टेढ़ हो गया, बैठ जा रहा हूँ तो उठा ही नहीं जा रहा बिल्कुल। दोस्तों तो आप लोग को आशीर्वाद की सख्त जरूरत है मैं सही हो जाऊं। और देखिए दोस्तों, हाय फैमिली बोलो। हमारे बच्चे एकदम खुश है, मैं भी सही हो जाऊंगा दोस्तों। और देख सकते कैसे मैं खड़ा हूँ, एकदम टेढ़ा होकर बैठ जा रहा हूं तो उठा नहीं जा रहा, अभी बिस्तर से उठ के आया और ब्लॉग नहीं बना था तो हम लोग ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि आकाश की मम्मी को अकेले छोड़ दूंगा फिर ये भी हो जाएगी। और दोस्तों एक खुशी की बात है, आज बहुत मुश्किल से सूर्य भगवान दर्शन दिए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, बारम्बारम प्रणाम सूर्य भगवान को। और मैं भी अभी नहाने का सोच रहा हूँ, पहले शेविंग कर लूँ। और दोस्तों दूसरा हम लोग काम करने वाले हैं, ड्राइंग टेबल देखते हैं कब तक। नहीं नहीं मैं धीरे धीरे करूँगा, नहीं तो फाबरे बैठ जाऊँगा बिल्कुल। नहीं सही होगा, दवा खाने से बहुत ही परेशान करता है। तो आज मुंह को बोलते हैं झाड़ना। हाँ तो आज है शुक्रवार, कल रह के परसों झड़वाऊंगा। और दवा भी खाया हार्ड वाला फिर भी आराम नहीं हुआ दोस्तों। तो चलिए मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ करूंगा, ऐसे बैठने से और ये तकलीफ देता है, फिर उठा ही नहीं जाएगा अगर बैठे रहूँगा तो, इसका भी ये हकीकत है। तो देखते हैं कब तक सही होता है दोस्तों। हमारे रियल लाइफ ब्लॉग से एंड तक जुड़े रहिए दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, चला भी नहीं जा रहा, फिर भी मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ बच्चों के मदद से और आकाश की मम्मी की मदद से, क्योंकि आज धूप भी उगा है एकदम, सब मस्त है। और हाँ विजय तो नहा लिया, आप नहाए? नहीं नहाया, विकास भी नहीं नहाया, तो कोई नहीं, विजय नहा लिया है बड़ा है, उनको साफ सुथरा रख दिया, हाथ में पूरा तेल लगा के देख सकते हैं दोस्तों। और आशीर्वाद अपना बनाए रहिए, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं ड्राइंग टेबल बनाने के लिए मैं क्या ले आया हूँ, कितना जबरदस्त पानी, इतना बड़ा हम लोग का ड्राइंग टेबल होने वाला है, देख सकते हैं दोस्तों। हाँ बहुत तकलीफ कर रहा है, ऐसे खा रहे हैं ना। हाँ बैठ जाऊँगा तो और उठा ही नहीं जाएगा, और सो जा रहा हूँ तो उठने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसका यही परेशानी है, ये जब तक झड़वाएंगे नहीं तब तक सही नहीं होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इतना बड़ा ड्राइंग टेबल होने वाला है हम लोग का, जो दो हाँ और जगह भी बहुत कम है, फिर भी बहुत दिमाग से इसको लगाना है, ये देख सकते हैं दोस्तों। हाँ अब बस हमें क्या करना है, इसके नीचे का फाउंडेशन बना के उस पर जो आकाश की मम्मी राड़ी काटी है उसको बिछा के मिट्टी से लेप लगा के प्लस्तर कर देंगे, उसके ऊपर इसको चिपका देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना प्यारा लगने वाला है, बस हमें नीचे का फाउंडेशन बनाना है। तो आप लोग इस पर बैठ कर खाना खाएंगे बेटा, और आप लोग ना होगा तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों, इस पर खाना ही खाया जाता है, पढ़ बच्चे बैठ के पढ़ भी सकते हैं क्योंकि बड़ा बनाने वाला हूँ, और नहीं तो केवल खाना खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और कुछ उस पर ना जी। हाँ क्योंकि हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है, खाना खा के साफ सफाई करके बच्चे बैठ के पढ़ भी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिए, हम लोग उसको हाँ वो फॉलो करेंगे, क्योंकि आप लोग से आशीर्वाद और आप लोग के दुलार से ही हम लोग इतना खुश हुए हैं, और आप लोग को हर एक कमेंट का बात हम लोग उसको मायने रखता है कि ऐसे हमें करना चाहिए, आप लोग बड़े बुजुर्ग और भाई दोस्त बहन सबको ना जी। तो देख सकते हैं आकाश कितना खुश है और बीजे पकड़ा है, तो ऐसी बनाने वाले हम लोग, अब देखते हैं दोस्तों कब तक मैं बना पाता हूँ, क्योंकि एक तो ये कमर दर्द परेशान कर रहा है कुछ ज़्यादा ही। तो आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कि इसको मैं कैसे एकदम बराबर बनाऊं कि देखने में एकदम मस्त लगे, प्यारा लगे और बच्चे देख के खुश हो जाए, और आप लोग को भी बहुत मस्त लगे। आकाश में भी तो ऐसे ही खुश है क्योंकि धूप उग गया है और मेरे को परेशानी हो गया, ये तो सही है भगवान की कृपा से, और आप लोग का आशीर्वाद से मैं भी ठीक हो जाऊँगा। आशीर्वाद बनाए रहिए दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं
इतना लगा दिया और फिर भी बिल्कुल आराम नहीं हुआ है। सुबह ही खर्च, इसका इलाज वही है कि झड़वाना पड़े। और दवा देखिए दोस्तों, दो ही खुराक दिया है क्योंकि हार्ट वाला दिया है, बोला पहले इसको खाइए आराम होता है कि नहीं, तो दो ही खुराक दवा और बोला कि इसको लगाइए, अगर आराम नहीं होता तो फिर उसको झड़वाना ही पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा दवा खाएंगे उससे ना जी खराबी करता है। हाँ तो देख सकते दोस्तों, अब इसको मैं देखता हूँ कब तक सही होता है, जब तक मैं कोशिश करूँगा, पूरा मेहनत करूँगा, ऐसे करते करते सही होगा, क्योंकि इसका भी एक इलाज है। अगर ये दर्द कर रहा है तो ज़बरदस्ती करना चाहिए काम, तो आप अचानक हो सकता है सही हो जाए। और देख सकते दोस्तों, सीधा बैठा भी नहीं जा रहा, अगर बैठ गया उठा भी नहीं जाएगा, बहुत खतरनाक है। बोलो ये करंट सटाने, हाँ मैं आकाश कमी को सुने हैं ना कि जैसे ये अगर पकड़ता है तो पोल पे ऐसे जाकर रगड़ो तो आकाश कमी कर रही, तो मैं कहा कि एक काम करिए, मैं खाली पैर खड़ा रह रहा हूँ और तार लेके आ रहा हूँ लाइट में से, और वहाँ पे जहाँ दर्द कर रहा हूँ वहाँ एक बार ऐसे सटा घटा दीजिए। कितना खतरनाक चीज है, तो ये आकाश कमी कर नहीं पा रही, ये हकीकत है मेरे हिसाब से। जब पोल पे खड़ा हो रगड़ेंगे दो तीन दिन तो सही हो सकता है, उसके डर से भाग जाता है, तो हल्का सा अगर झटका मार दिया जाए तो हो सकता है सही हो जाए, लेकिन आकाश कमी राजी नहीं है। मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ कि इतना मेरे परेशानी हो रहा है, एक हल्का सा झटका मार दो उस पर, तार सटाना एक बार हटा देना तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। नहीं नहीं, करेंट तो हल्का हल्का कभी मार देता है, तो आकाश को डर रही है, मैं भी थोड़ा डर रहा हूँ कि बच्चे हैं हमारे, कहीं और कुछ दिक्कत हो गया तो हम लोग ऐसी परेशान है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही परेशान करता है दोस्तों। कभी किसी को हुआ हो, भगवान ना करे कभी हो, तो उनको ज़रूर पता होगा कि कितना ही परेशान करता है कमर का दर्द और मोच मोच कह सकते हैं आप लोग, हम लोग तो अचानक से हो जाता है, अचानक से हो जाता है, आज दवा से सही ना हो उसे कमर चोर कहते हैं हम लोग, क्योंकि अब दवा से सही नहीं हो रहा तो उसको झाड़वाने से सही होगा, तो ये चोरी पकड़ा है, इसीलिए हम लोग बिहार में कमर चोर कहते हैं, आप लोग पता ना क्या कहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से जो विजय बता के गए हैं, जो गड्ढा यहाँ पर बनाना है, क्योंकि डांड में जोर से दर्द करने ऐसे बैठ के नहीं खोला जा रहा है, खाली बताते हैं हम खो रही हूँ, आगे आंगना में आगे जला दी जलाई हूँ, आगे तो बैठे हैं विजय पापा, चलिए हम खोल लेती हूँ। दोस्तों देख सकते हैं मैं आग जला के बचा रहा हूँ बच्चों के लिए अपने, आग जला के यहाँ बैठने के लिए बोले थे, देखिए विजय पापा यहीं बैठ के देखिए क्या कर रहे हैं, सेविंग कर लेता हूँ 20 रुपये बचेगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल से भगवान की कृपा से धूप उगा है दोस्तों, पहले सेविंग करके नहा लूँ, और आकाश को इनको बता दिया आराम आराम से करिए, जब तक मैं भी हाथ बताऊंगा। दोस्तों देख सकते हैं आकाश को मम्मी क्या ले आ रही है, कितना सारा मेरे से भी ज़्यादा मिट्टी ले आई, देख सकते दोस्तों क्या कर सकते हैं आप बताइए, मैं माना कर रहा हूँ लेकिन ना नहीं मानती है, पर कमर में दर्द है तो लाना जरूरी था, क्या करेंगे रहने दीजिए, वो बकरी वाला को बनाना है ना, तो देख सकते दोस्तों मैं टीरा होकर चल रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए पूरा दीवार लीप दी है, थोड़ा सा बाकी है ये साइड में, इधर है बाकी है थोड़ा सा, तो मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हो गया, ये भी कोट कर रखिए, मैं कैसे सोच रहा हूँ बनाऊँ, अभी दिखाता हूँ आपको फेस, तो देख सकते हैं कैसे कैसे नहाया हूँ, कौन से डिजाइन से खड़ा हूँ, हाँ नहा लिया क्योंकि धूप उगा, मैं ना नहाऊँ तो फिर पता ना कब धूप उगेगा, नहा वहा लिया दोस्तों, अब सेविंग भी बना लिया, हम चल रहा बड़ा धूप हुआ देख कर दोस्तों, कम से कम 30-35 किलो से कम नहीं होगा, उठाया किस कौन तो आप रहने दीजिए, अब इसको करते हैं रहने दीजिए, वो इधर लिख दी है ना, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि चिकन खा, हाँ नहीं तो कोई सीआर वार फार के ले गए हम लोग का मुर्गी बकरी को, तो और परेशान हो जाएंगे, कितना तो चलिए दोस्तों क्या कर सकते हैं मजबूरी, और दोस्तों सेविंग बना लिया हूँ, थोड़ा कमेंट में बताइएगा, आकाश की मम्मी सुंदर मेरे से लग रही है कि मैं थोड़ा मेरा स्वेटर पहन लिया आकाश को, मैं अपना स्वेटर धो कर डाली, कितना दिन हो गया इस स्वेटर का, बहुत दिन अपना धुल कर डाली है, क्योंकि शनिवार के दिन जल चढ़ाने जाना है सुबह सुबह नहा कर, और आज भी नहा लिया, चलिए दोस्तों मैं कुछ कुछ करूँ, नहा लिया थोड़ा दिमाग फ्रेश हो गया, लेकिन कमर का दर्द अभी छोड़ नहीं रहा, कैसे कैसे करेंगे तो हमारा एक ब्लॉग भी तैयार हो जाएगा ना जी, हाँ कुछ नहीं करेंगे तो आप लोग इंतजार करेंगे, वो हमें अच्छा नहीं है, ऐसे ही धीरे धीरे कर रहे हैं, हाँ इसको करना तो है, मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, बच्चे भी मेरे से बोलते हैं, ये ड्राइंग टेबल कब बनाएंगे पापा, बना दिया होता लेकिन क्या करूँ, हाँ काले सब इतनी देर के रखे थे हम लोग बनाने के लिए,
तो तिरपाल टांगने लगा था इसी से लेट हो चुका। थोड़ी सी तकलीफ के कारण देखिए आकाश की मम्मी कैसे मिट्टी ला रही है, वही से लाई है जहाँ चूहा छोड़ने गए थे आप लोग ब्लॉक में दोस्तों देखे होंगे। हाँ। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा लेकिन मैं मजबूर हूँ तो वहाँ देखिए बैठ के काट रहा हूँ ना अभी थोड़ा सही है उठा नहीं जाएगा मेरे से इसका बार ये आप तीन बोले मैं लेके आई हूँ और देखा विजय तो बोला जे छोड़ दो मम्मी हम लेके आ जाते हैं तो देखिए साइकिल से कहाँ तीन बोला लेके विजय आया है तो मैं भी जाऊँ। हाँ दोस्तों ये भी बोला है ये भी साइकिल से टांग के लेके आया है नहीं दोस्तों मैं तो इतना अच्छा जी हम कपड़ा धो के डाली हूँ जो तो अभी शाम हो चुका है तो सब छिपेट के अटंकल पेट में डाल देती हूँ दोस्तों देख सकते हैं कर चुका है। अब इसको इसमें हला देंगे ज़्यादा हाइट हो रहा है नहीं कि तो नीचे से काटना पड़ेगा नहीं तो और खोदना पड़ेगा। अगर मान लेते कुर्सी पे भी बैठ के खाएंगे हम लोग और बच्चे तो भी हाइट हो रहा है इससे नाप लेते हैं क्योंकि हमें इसी पे हाइट हो रहा है कि तो एक बीटा खोदिए तो देख सकते हैं आकाश को कैसे निहूर निहूर के खोद रही हैं देख सकते दोस्तों गजब। जो उस दिन तबीयत इनका खराब होता जितना काम मैंने किया था इनके लिए उससे तो डबल इन्होंने कर दी मिट्टी उतना ले आ दी थोड़ा सा धूप उगा तो रहा नहीं गया इनसे दोस्तों क्यों करना दूंगा तीन तीन बच्चे को पाल रहे हैं इतना आसान बात है और मैं भी घर पे आपका थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ ब्लॉग व्लॉग बनाने में गर्मी आएगा तो चलेंगे प्रदेश के तरफ उधर वहाँ भी ब्लॉग बनाएंगे और कुछ मेहनत करके कमा भी लेंगे अभी ठंड में नहीं कुछ यूट्यूब से भी हेल्प हो जाएगा और आप लोग का आशीर्वाद से दोस्तों तो हमें कुछ परेशानी नहीं होगा बच्चे ना जी तो ये हम लोग सोचे हैं लेकिन ब्लॉग हम लोग बनाते रहेंगे प्यार भरा आप लोग साथ दिखाते रहेंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे जो भी काम करेंगे वहाँ भी दिखाएंगे ना होगा तो एक और मैं मोबाइल ले लूँगा ना जी। हाँ। तो ऐसे हम लोग का बच्चे का भविष्य अच्छा बन जाएगा मेहनत और लगन से बस प्लीज आप लोग अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा हमारा ब्लॉग एंड तक देखिएगा ना आकाश मम्मी। हाँ। और बहुत प्यारा सा बनाने वाला हूँ ड्राइंग पता ना क्या बोलते हैं डाइनिंग टेबल खाना खाने के लिए भारी भारी होटल में जाके खाए जाते हैं ना नहीं अब हर एक घर में रहता है हम लोग घर शादी हुआ था आपको वो जो टेबल मिला था ना वो उसी को बोलते हैं तो कहीं कहीं बड़ा बड़ा हाँ कुर्सी लगा के बैठ के खा जाए आकाश की मम्मी को पता भी नहीं है देश तो देख सकते हैं मैं आकाश की मम्मी के लिए बना दूंगा और आकाश की मम्मी खुश हो जाएंगी तो देख सकते हैं आकाश की मम्मी आखिर खोद ही दी उतना लंबा पूरा खंती से भी एक बीता अंदर गहरा कर दी और ये हो गया अब इसको मैं देखिए कैसे बनाता हूँ इतना प्यारा सा देखिए दोस्तों मिट्टी भर दी और इसमें से जो मिट्टी बचा उधर थोड़ा सा गड्ढा गड्ढा सा उसमें लेप लगा देंगे हाँ मैं इसका बाकी सामान व्यवस्था करूँ तो दोस्तों देख सकते हैं बाकी मैं इस लकड़ी का इस्तेमाल करने वाला हूँ सीधा सीधा है और इधर आकाश की मम्मी गड्ढे करके एकदम हिला दिए देख सकते हील भी नहीं रहे दोस्तों तो चलिए मैं पहले इस लकड़ी को काट लेता हूँ जितना हमें यूज करना है दोस्तों तो दोस्तों देख सकते हैं विजय का क्या कर रहे हैं क्या करते हैं जी इसमें इसमें सपोर्ट चाहिए क्योंकि इधर पाया नहीं हिलाने वाला हूँ अच्छा ऐसे मैं आपको समझा दूँ प्यार से फिर करते हैं अरे बाप रे देखिए ऐसे दोस्तों देख सकते हैं उधर हल्का सा सपोर्ट मिल जाएगा फिर इसमें कील मार दूंगा यहाँ कील मार दूंगा ये हिलेगा भी नहीं और इधर हमें कुछ हलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा थोड़ा सा और कर लूँगा वहाँ से ऐसे में ऐसे टाइट करके यहाँ कील मार देंगे तो उधर घस के गए नहीं और ये बिल्कुल टाइट है तो देख सकते हैं दोस्तों चलिए मैं थोड़ा सा और इसको हल्का कर लूँ दोस्तों एक चीज है मैं
अपना हिम्मत कस के कर रहा हूँ, नहीं तो अगर मैं बैठा तो फिर ये चलने फिरने भी नहीं देगा, हमें टॉयलेट करने भी बड़ा मुश्किल से जाना पड़ेगा। ये किसी ने बताया था, जब तक मैं बहुत कोशिश से करते रह रहा हूँ, थोड़ा आराम भी कर ले रहा हूँ और आकाश को मैं हेल्प भी कर ले रही, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों देख सकते हैं हो गया एक काम क्लियर, और फील मंगाने के लिए विजय को भेजा हूँ, अभी साइकिल से जाएगा, जब तक हम लोग एक दूसरा काम कर लेते हैं। प्यार से जाना बेटा, और देखिए दोस्तों कितना साइकिल से मिट्टी लाया है बेटा ने, बड़ा लड़का मेरा। और आकाश को मम्मी देखिए दोस्तों आज धूप का कितना फ़ायदा उठाए, कपड़ा कहाँ तक धुल के रखें, और उधर भी देख सकते हैं दोस्तों, हाँ थोड़ा एक और काम है, थोड़ा कर दीजिए ना, आइए मैं दिखाऊँ। तो देख सकते हैं मेरा विजय कील लाने गया है, जब तक हम लोग कौन सी काम करने वाले हैं, हाँ खुला पूरा संधि जी। ये देखिए दोस्तों ये है समौसम, कलर भी सही है, कलर कैसा बताइएगा। तो इसको देखिए कैसे बताया था, वैसे आकाश के मम्मी को मैं बताया, थोड़ा सान दीजिए आटा जैसे, पहले सान दीजिए नहीं तो ये कलर अच्छा नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों कैसे सान रही है आकाश के मम्मी, और इसी से पहले हम लोग इसको सुधारने वाले हैं, कलर पहले मिटका देंगे जो भी लिखे हैं, उसके बाद दूसरा लिखना पड़ेगा ना जी, वैसे करना पड़ेगा, एक ही इलाज है, देखता हूँ। हाँ तो देख सकते हो दोस्तों कैसे सान रही है आकाश की मम्मी, गजब। आटा नहीं है, रोटी पकाने की सान रही है। दोस्तों देख सकते हैं आकाश की मम्मी कैसे कर दी गिल्ला गिल्ला, कलर भी अलग हो गया इसका सानने के बाद। अब इसको पानी में घोल लगे और फिर बुरु से उसको अभी बना दूंगा, जब तक कील आ जाता है फिर इसमें लगेंगे, देखते हैं कब आज हो पाएगा कि नहीं, देखते हैं कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हो ही जाएगा एक दो दिन में ना जी। आज नहीं, हाँ मेरा ये तबीयत सही रहता, मेरा कमर सही रहता तो मैं सुबह से कर दिया होता, आज जैसे थोड़ा सा धूप उगा था तो कुछ ज़्यादा देर का काम नहीं है, लेकिन फिर भी कमर के हिसाब से परेशान हो गया, कमर की वजह से बस बस ज़्यादा नहीं, इतना ही हो जाएगा काम। तो देख सकते दोस्तों फिर इससे क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं आज सारा काम आकाश की मम्मी ही करने वाली हैं, बुरुश को धुल रही हैं, पेंट करने वाला, और इधर कलर तैयार है, उसके बाद इस पर जो लिखे हैं उसको मिटकाएंगी, फिर मैं दूसरा लिखूँगा प्यार से, अच्छे से गूगल में सर्च करके लिखेंगे, गड़बड़ ना हो। आकाश मम्मी हंस दी, आकाश की मम्मी ही बताई थी, आप दोस्तों पूछ सकते हैं, हाँ, मैं इन्हीं से पूछा था, एक बार सर्च करके देखो यूट्यूब पे फैमिली का स्पेलिंग क्या, तो इन्होंने देख कर बताया था, क्योंकि ये फैमिली लिखते हैं तो कभी एफ ई ए भी आ जाता है, हाँ तो कोई नहीं चेंज कर देंगे अभी, हमें ए लिखा था ई बनवा दी इन्होंने, तो चलिए दोस्तों कोई नहीं होता है, हाँ ऊपर से देह मर भर लीजिएगा और अलग ही दिखेगा दोस्तों, थोड़ा और पानी डालिए हल्का, नहीं तो परेशान हो जाएंगी कि ठीक है ख़त्म कम पड़ जाएगा, थोड़ा और पानी डालिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, और अंधेरा नहीं होने वाला है दोस्तों आंगन में, अभी लाइट में छोड़ रखो, इसको जलाऊंगा और काम करते रहूँगा, क्योंकि मौसम थोड़ा सही है। देखिए दोस्तों इसीलिए कह रहा था दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सारा काम आकाश के मम्मी के हाथों करना है, कर रही हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरे से भी हो सके हेल्प आकाश की मम्मी का। कुर्सी पे चढ़ी हुई दोस्तों, छोटी तो दोस्तों देख सकते हैं आकाश की मम्मी ने मेरे बनाए हुए प्यारे से दिल को क्या कर दी, देख सकते दोस्तों गजब। इतना इधर देखिए, हम बताइए दोस्तों मैं क्या करूँ अब, कितना दिमाग लगाऊं। तो दोस्तों देख सकते हैं गजब बना दी आकाश की मम्मी ने, और उल्टे में कह रही कि कलर ख़त्म हो गया, अब बताइए दोस्तों मैं क्या करूँ, आधा दिल रंगे आधा दिल खाली, देख रहे हैं दोस्तों, तो बताइए फिर कॉल आएंगे तो इधर रंगेंगे। और देखिए टोपी कैसे मफलर बनी है, गजब लग रही है स्मार्ट। दोस्तों देख सकते हैं आकाश को मम्मी खुश कितनी है, मेरे बनाए हुए दिल को क्या बना दी अपने डिजाइन से, बताइए दोस्तों गजब कर दी इन्होंने। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर विजय के बाद कील मार दिए हैं, देखिए लड़ा दिए हैं कितना मस्त,
देखिए कैसे कैसे जा रहे हैं। ये यहाँ पर सुनी था ना, तो वही उस साइड में रख दिए हैं। देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए गजब मजबूती बना रहा हूँ, कभी बच्चे चढ़ के खेल दे हम लोग ना रहे। हाँ तो टूटेगा नहीं, तरीका से बनाएंगे तो गिरेगा। दोस्तों देख सकते हैं शाम हो गया है, लेकिन आकाश को मेरा अभी दिल सही नहीं करी है, कलर से जो बना रखी थी। और इधर देखिए अंधेरे में क्या कर रही, कोल रही। देख सकते हैं दोस्तों, और लाइट कट गया है, ये सोलर वाला लाइट जल रहा है। दोस्तों देख सकते हैं वो तो बन गया, और आकाश को देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा कर दी। देख दी दोस्तों आकाश को, अब चलिए ना हट जाइए। अच्छा उसके बाद मैं धीरे धीरे करता रहूँगा। और लाइट देख सकते हैं दोस्तों, इसीलिए लगा रखा हूँ कि हम लोग का ब्लॉक अभी ये हुआ नहीं। हमारा बच्चा गया है, देखिए अंधेरा हो गया है, साइकिल से गया है, ज़्यादा दूर मार्केट नहीं है, यही नज़दीक में मिल जाता है। तो देखिए कब तक आता है, आगे 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 पी बोलते आगे। दोस्तों देख सकते हैं अभी दिखा ही रहा हूँ, आवाज़ सुन रहे होंगे, कुछ दूर रहता है आवाज़ देता है। और फिर मैं इसको कर रहा हूँ थोड़ा, आकाश को मम्मी आप ये बिगाड़ी है, आप ही सही कर दीजिए, खाली कलर कर दीजिए प्लीज़, थोड़ा ही से बचा है। दोस्तों अभी देखिए एंट्री, मेरा बड़ा वाला लड़के विजय का होने वाला, आकाश को मम्मी गई, देख सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों हैप्पी परिवार, छोटा परिवार जिसमें सोनू सबसे, विजय सबसे बड़ा लड़का, कितना हेल्प करता है देख सकते हैं दोस्तों। जूता मुझे पहन लिया है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ कमर के वजह से, देख सकते हैं दोस्तों। क्या कला है, कलर ला दिया, थोड़ा ही सा घोलिएगा उतना ही भर का। तो दोस्तों देख सकते हैं विजय कैसे अपने मम्मी को हिसाब दे रहा है, जो पैसा देती पकौड़ी लाया है और कलर लाया है। तो फिर चल हम लोग खाना बनाने, पहले वीडियो एंड करना है। पहले आकाश को मम्मी कह रहे हैं कि पहले मैं अपना आपका दिल सुधार दूँ बनाया हुआ, फिर हैप्पी एंडिंग करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आकाश को मम्मी मेरा प्यारा से बनाए हुए दिल को सुधारने के लिए फिर कलर घोल रही है, और जब तक मैं इसको बना रहा हूँ। आकाश को मैं देखिए सीधा हो गया ना, ठीक है, लड़का कैमरा कर रहा है। दोस्तों कितना है मदद करता है, अभी मार्केट से आया और पकौड़ी भी लाया था और कलर भी। तो आकाश को मम्मी कलर करने के बाद हैप्पी एंडिंग करने वाली है, थोड़ा आकाश को मैं जल्दी जल्दी करिए, अभी खाना भी बनाना है दोस्तों। और 6 बजने जा हो रहा है, 5 मिनट कम है 6 बजने में, अभी वीडियो अपलोड करके आप लोग के बीच भेजना भी है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग कितना मेहनत करने के बाद जो वीडियो अपलोड कर करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं दिल से रंग दी हूँ, और देख सकते विजय को क्या कर रहे हैं, मैं ड्राइंग टेबल बना रहा हूँ। थोड़ा इधर भी है, हल्का कलर है, इधर भी दोबारा कर दीजिए, हाँ हल्का हल्का लाल सा दिख रहा है जो, फिर लिखूंगा दोस्तों। और मस्त बना दिया आकाश को मम्मी के हाथों में, जादू है, कला है, गजब का। मैं तो सोचा मेरे दिल के साथ, बनाए हुए दिल के साथ खिलवाड़ कर दिया आकाश को, लेकिन बहुत प्यारा बना दी, गजब। अभी हम लोग बहुत कलर करना है, क्योंकि पूरा भी मिट्टी से लीप रहा है, पूरा लीप होकर पूरा घर आंगन सब लीपेंगे ना जी। आकाश को मम्मी एक चीज मत भूलिए, खाना भी बनाना है। हाँ दोस्तों अभी जाना है, वीडियो में। तो दोस्तों देख सकते हैं डाइनिंग टेबल का स्ट्रक्चर में थोड़ा सा खड़ा कर दिया, और बाकी इसमें काम है तो इसको कल करेंगे। और इधर हमारा पूरा फैमिली जुड़ गए। और आकाश का मम्मी दिल को जो लिखा था शब्द गलत, वो सब पेंट करके बराबर कर दी, और उसमें हम लोग सही सही लिखेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं बच्चे, हम लोग जा रहे खाना बनाने, खा के सो जाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे वीडियो यहाँ तक देखे, इसके लिए दिल से धन्यवाद।